बॉलीवुड के टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की गिनती 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में होती थी। करिश्मा कपूर ने 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में डेब्यू किया और उस समय करिश्मा की उम्र सिर्फ 16 साल थी। यहां तक कि 5th क्लास के बाद इन्होंने एक्टिंग के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। करिश्मा ने अपने फिल्मी करियर में 70 फिल्मों में काम किया जिनमें से ज्यादातर हिट रही। करिश्मा बेहतरीन अदाकार के साथ साथ शानदार डांसर भी हैं। करिश्मा कपूर के बाद रवीना टंडन केवल एक ऐसी एक्टर थी जो गोविंदा के साथ डांस कर पाती थी। गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की सारी ही फिल्में हिट साबित हुई हैं। गोविंदा करिश्मा कपूर की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती थी। करिश्मा कपूर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं जैसे राजा हिंदुस्तानी, राजा बाबू, दिल तो पागल है, अनाड़ी, बीवी नंबर 1 और ऐसी ही कई फिल्में शामिल हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो करिश्मा का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं। फिर अक्षय खन्ना के साथ जुड़ा लेकिन करिश्मा की माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं था। फिर अभिषेक बच्चन के साथ करिश्मा कपूर 5 साल रिलेशन में रही और सगाई भी हो गई थी इन दोनों की। लेकिन करिश्मा कपूर की माँ बबीता कपूर ने अभिषेक बच्चन के फ्लॉप करियर को देखते हुए उनसे उनकी कमाई पूछी, इसकी वजह से बच्चन परिवार नाराज हो गया था और ये रिश्ता टूट गया। आपको करिश्मा कपूर कैसी